हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में इनकी जो नोटिफिकेशन वो निकाली गई है। ठीक है, तो ये आज की वीडियो में हम ये देखेंगे। तो अगर आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो पहला नोटिफिकेशन है वो इंडस्ट्रियल यूनिवर्सिटी मेहसाना से ने निकाला है, जिसमें उन्हें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट करना है। ठीक है, अब जो रिक्रूटमेंट है ये इंडस्ट्रियल यूनिवर्सिटी ने खुद निकाला है, जो कि गुजरात में है, और ये जो नोटिफिकेशन वो 9 सितंबर को ही निकाला गया था। अब देखो, हायरिंग ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्रियल यूनिवर्सिटी है। ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल की बात करें अगर हम, तो इंडस्ट्रियल यूनिवर्सिटी विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी, इंडस्ट्रियल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग इज अप्रूव्ड बाय एआईसीटीई। तो इसमें जॉब टाइटल देखिए, प्रोफेसर, एसोसिएट, असिस्टेंट प्रोफेसर, तीनों की यहाँ पे रिक्रूटमेंट होनी है। एम्प्लॉयमेंट टाइप है फुल टाइम, यानी कि ये रेगुलर पोस्ट है और ये फुल टाइम जो है एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, अब देखिए जो वैकेंसी निकली वो स्कूल ऑफ साइंसेस, केमिस्ट्री, बायो साइंसेस, माइक्रोबायोलॉजी, एनिमल बायोलॉजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, इन सब्जेक्ट्स में निकली है। और जो क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है वो एमएससी पीएचडी होनी चाहिए एज पर यूजीसी एआईसीटीई नॉर्म्स। ठीक है, कैंडिडेट प्रोफाइल के लिए आपको यहाँ पे कंप्लीट आपका जो पीजी या पीएचडी रिलेवेंट सब्जेक्ट में होना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होनी चाहिए और जो वर्क के थ्रू टुवर्ड्स आपकी कमिटमेंट भी होनी चाहिए। जॉब लोकेशन मेहसाना गुजरात है। पे स्केल जो मिलेगा आपको एज पर AICTE और UGC नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, और जो लास्ट डेट रहेगी विद इन 10 डे, यानी 19 सितंबर विल बी योर लास्ट डेट। अब यहाँ पे अप्लाई वो कैसे करना है, आपको डायरेक्टली यहाँ पे बस ईमेल भेजना है, यानी कि आपको जो CV या आपने कहीं पेपर पब्लिश किए हैं या आपके कुछ बुक चैप्टर्स हैं, रिव्यू पेपर्स हैं, या अगर आपके पास कोई नेट गेट क्वालिफाई किया है तो उन सबके आपको जो सॉफ्ट कॉपी है वो बाई मेल आपको भेजनी है www.industrialuniversity.edu.in पे। ठीक है, तो आपको भेजना है रिज्यूम और जो टेस्टिमोनियल्स 10 दिन से विद इन 10 डेज। ठीक है, तो देखिए ये था एडवर्टाइजमेंट। इसका अगर आप ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट देखने आते हैं तो देखिए यहाँ पे इन्होंने रिक्रूटमेंट नोटिस ऑलरेडी निकाला है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आप इसको और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है इंडस्ट्रियल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हैं। चलिए अब देख लेते दूसरा। तो दूसरी जो वैकेंसी निकली है वो RIMT यूनिवर्सिटी मंदी गोविंद नगर, यहाँ पर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों की रिक्रूटमेंट होनी है। ये भी 9 सितंबर को आया था नोटिफिकेशन। इसका जो हायरिंग ऑर्गेनाइजेशन वो RIMT यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो देखिए इसमें भी जॉब टाइटल सेम है। आप देखिए इन्होंने इसमें सब्जेक्ट भी मेंशन कर रखे हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर इकोनॉमी, एग्रोनॉमी, एग्रोमेटोरोलॉजी, एग्री इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, हॉर्टिकल्चर, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, सोयल साइंस, सोशियोलॉजी, एनिमल साइंसेस। तो इतने सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट्स में अगर आप एलिजिबल हैं या आपने अपना कोई मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट्स में किया है तो आपके उसके लिए एलिजिबल है। देखिए क्वालिफिकेशन भी वही UGC, RIMT या SER नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। आप कैंडिडेट के पास शुड हैव PG और PhD इन रिलेवेंट फील्ड, आपकी PG और PhD रिलेवेंट फील्ड में ही होनी चाहिए। ठीक है, फिर वही कमिटमेंट टुवर्ड्स वर्क, आपका जो है अगर आप यहाँ पे सिलेक्शन होता है तो आपका कमिटमेंट होना चाहिए वर्क के टुवर्ड्स। जॉब लोकेशन देखिए, ये जो यूनिवर्सिटी वो मंडी गोविंदगढ़ में है, जो कि पंजाब में लोकेटेड है, और जो स्पेस स्केल आपको मिलेगा वो भी एज पर UGC नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। इसमें भी आपको अप्लाई सिर्फ बाई मेल ही करना है, कोई भी हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी है, और जो लास्ट डेट है वो है 21 सितंबर 2020 तक आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको अपना CV, आपका रिज्यूम या CV को अदर टेस्टिमोनियल, जैसे कि अगर आपका जो है MSc की डिग्री, BSc की डिग्री, साथ ही साथ अगर आपने कहीं टीचिंग की है, रिसर्च का एक्सपीरियंस आपके पास है तो उसका सर्टिफिकेट, और साथ ही साथ अगर आपने नेट या गेट क्वालिफाई किया है या ARS एग्जाम, ARS नेट क्वालिफाई किया है तो उसका जो है आप जो है सॉफ्ट कॉपी भी भेज सकते हैं। इससे आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इसका भी देखिए जो नोटिफिकेशन वो निकाला गया है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में बता दिया है। तो आपको जो अपना CV है और जो अदर टेस्टिमोनियल है वो भेजने हैं बिफोर 21 सितंबर 2020। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूसरा नोटिफिकेशन। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड नोटिफिकेशन की, जो कि है PKN आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज। ठीक है, तो देखिए इस PKN आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज में जो है वैकेंसी निकली है, यहाँ पे सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, तो इसमें देखिए टीचिंग के लिए कॉमर्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, इसमें जो है आपको
असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी निकाली गई है। वहीं अगर बात करें नॉन टीचिंग की, तो यहाँ पर अगर लैब असिस्टेंट फॉर कंप्यूटर साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी नोटिफिकेशन निकाला गया है। अब यहाँ पे करना कि एप्लीकेशन में भी सेंड टू द सेक्रेटरी पीकेवीएन साइंस कॉलेज तिरुमंगलम इन अ सील्ड कवर सब्सक्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन और बिफोर 11 सितंबर। तो इसके लिए जो कल है वो लास्ट डेट है, तो यहाँ पे आपको बाई पोस्ट भेजना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ईमेल आई थिंक नहीं भेजना है, क्योंकि डायरेक्टली बोला है कि आपको अपना सीवी और जो भी आपकी टेस्टिमोनियल्स है वो आपको भेजना है इस पते पे। तो इन्होंने ऑलरेडी एड्रेस दे दिया है, और साथ ही साथ जो है आपको मेंशन करना पड़ेगा एनवेलप पे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। थोड़ा डिले हो जाएगा, मुझे लगता नहीं कि ये मे पहुंच पाएगा, लेकिन ट्राई कर सकते हैं, मे बी वो आपका जो एप्लीकेशन वो कंसिडर करें। ठीक है, तो दोस्तों यही मेरा जो नोटिफिकेशन मैंने आपको बताया, जो कि डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और जो प्रोफेसर की वैकेंसी को निकाला गया है। अगर आप इनमें से किसी पोस्ट के एलिजिबल हैं तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी में क्या है, ये जो रेगुलर टाइम है, जैसे कि इंडस्ट्रियल यूनिवर्सिटी में यहाँ पे जो है ये पोस्ट रेगुलर है और फुल टाइम है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाए। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।